देखिए फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस बैग के फर्मा कैसे बनाते हैं। ऐसे अपना कौन सा भी बैग हो, जैसे अपना ये फर्मा बोलते हैं इसको, ठीक है फ्रेंड्स, ये कैसे बनाते हैं मैं आपको पूरा समझाएंगे। ऐसे बहुत से सारे बैग होते हैं अपने, जैसे इसको गला अलग से निकालते हैं, इसको फर्मा बोलते हैं। एक कैसे निकालते हैं और कैसे बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको पूरा सिखाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसको तरिया बोलते हैं, एक क्रॉस तरिया, ठीक है फ्रेंड्स। अभी मैं आपको समझाएंगे कि इसका फर्मा कैसे निकालते हैं। और अगर ये पैटर्न पसंद आती हो तो मेरे वीडियो में कमेंट कीजिएगा, मैं इसका भी वीडियो आपको डाल देंगे, ठीक है, सिलाई का भी और कटिंग का, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, जैसे अपना ऐसा फल्ली आती होगी कटिंग की, ठीक है फ्रेंड्स, फिर अपने को ये फर्मा बना लेने का ऐसा, ठीक है। ऐसा फर्मा बनाने के आपको ये सिखा रहा हूँ, ये फने में कैसे निकालते हैं। कटिंग करने में बिल्कुल आसान तरीका है, आपको आसान से निकाल सकते हो। तो क्या करते हैं, पहले इसको ध्यान से देखिएगा मैं कैसे रख रहा हूँ। ये उल्टा कपड़ा है, ठीक है ये, क्योंकि जब अभी मैं करता है, ध्यान से देखिएगा, ये उल्टा और फिर एक इसके नीचे सीधा रखने का कपड़ा, तो ये जवाबी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसको यहाँ पर ऐसा रख के और मार्का पेन से चिन्ह लगा लेने का, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा मार्का पेन से चिन्ह लगा लेने के बाद, ठीक है, और यहाँ भी, ठीक है, इसके सेट पर चिन्ह लगाने के बाद फिर यहाँ पर ऐसा चिन्ह लगा लेने का। केवल 19-20 यहाँ पर हल्का कपड़ा ढिलेगा, उसको ढील देने का, ठीक है, यहाँ पर। फिर उसके बाद इस तरफ मार्का पेन से चिन्ह लगाना, फिर यहाँ से ऐसे लगा के और यहाँ से इधर लगा लेना है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, ऐसे धीमे धीमे सारे में लगा लेने का और इसको जवाबी रखने का, नीचे पहले सीधा रखने का, ठीक है, और फिर उसके ऊपर उल्टा, ठीक है, तो ये जवाबी हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने पहले से लगा के रखा है, और ऐसे आप भी लगा सकते, कौन सा भी बैग आ जाएगा तो आप ऐसे ही लगा सकते। देखिए मैं आपको इसमें सिखा रहा हूँ, ऐसे मैंने रखा, ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर ऐसा मार्का पेन से चिन्ह लगा लेते, ठीक है। ठीक है, ऐसा लगा लिया, तो अपना यहाँ पर एक सूत जैसा ढीला है, तो उसको बना रहने दो, कोई बांधा नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। फिर ऐसे यहाँ पर ऐसा रख लेते, ठीक फ्रेंड्स, ऐसे निकाल लेने का, आपको समझा दिया है ना फ्रेंड्स, ऐसे निकालने का। तो इसकी लंबाई है ना हमेशा 1-1.5 इंच फालतू होना चाहिए और चलेगा, क्योंकि ये अपने रखने में दिक्कत ना हो, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ देखिएगा मैंने कैसे रखा, जब अपना स्टार्टिंग करोगे ना तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा मैंने कैसे रखा, ठीक है, इसको थोड़ा क्रॉस रखा, ठीक है, एकदम सीधा नहीं रखा ऐसा, तो अपना वहाँ पर कम निकलेगा बेल्ट, ठीक है, थोड़ा इसको क्रॉस रखा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो ऐसे अपना ये निकाल लेने का भाई, कौन सा भी बैग हो इसको फने में ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको इस पैटर्न का समझा दिया, ठीक है, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ जो पीछे पार्ट की बेल्ट होती ना वो कैसे निकालते हैं। पैटर्न बना लेने का फ्रेंड्स, ठीक है, मैंने पैटर्न ये पहले से बना के रखा, उसको यहाँ पर ऐसा रख लेते, ठीक है, ऐसा रखने के बाद और ये मार्का पेन से चिन्ह लगा लिया, ठीक है, फिर उसको ऐसा रखते हैं और जितना आपको चौड़ाई में काटना हो उतना काट लेने का, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपको समझा दिया, इसका भी जवाबी करता है, पहले एक फल्ला सीधा रखने का, फिर उसके बाद ये ऊपर जो अपना मार्का पेन से चेन लगाया उसको ऊपर से रखने के बाद इसको कटर कर देते हैं, ठीक है, ऐसे बेल्ट का अस्तल भी काटा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ इस पैटर्न का तरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे अपने पास कौन सा भी बैग हो तो आप क्या करने का, पहले कैसे नापते हैं तरिया को, जो यहाँ पर क्रॉस दिया हुआ है ना यहाँ पर ऐसे रख के उसकी
चौड़ाई नापते हैं कितना इंच, तो इसका चौड़ाई मार्जिन के हिसाब से 4 इंच। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर भी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर बीच में जितना इंच हो उतना देख लेने का, बीच में है इसका 2.5 इंच। ठीक है फ्रेंड्स, बीच में इसका कितना है 2.5 इंच। तो आप ना, अब इसको समझाता हूँ कैसे निकालते हैं। इसकी 4 इंच लंबाई है फ्रेंड्स, ठीक है, और चौड़ाई है 14 इंच। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको बीच से ऐसा मोड़ लेते हैं। ऐसा बीच से मोड़ने के बाद अब क्या करते हैं, अपने को एक पटरी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अपना बीच का हिस्सा जितना सैंपल में होना चाहिए उतना यहाँ लगा लेते हैं। ठीक है, तो 2.5 इंच है, तो 2.5 इंच पे यहाँ पर ऐसा रख लेते। ठीक है, और यहाँ पर 4 इंच। ठीक है, फिर क्या करते हैं, मार्का पेन से ऐसा चिन्ह लगा लेने का। ठीक, अब इसको यहाँ से कटर कर लेते हैं। तो अपना ये क्रॉस तरिया निकल आया। ठीक है फ्रेंड्स, जिससे अपना यहाँ पर लगा हुआ, तो बाईस से आपसे सैंपल में देख लेने का कितना इंच, कितने इंच का है, तो वैसे ही मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आप कटिंग कर सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, ये भी आपको समझा दिया है। इस बैग में ऐसे ये फरमा भी आपको बता दिया कैसे फल्ली निकालते हो, और यहाँ भी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स।